शिवराज के नाम पर मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेगी बीजेपी। शिवराज की जगह अब दूसरे चेहरे को आगे बढ़ाने की तैयारी में जुटी बीजेपी। पार्टी को मिले फीडबैक ने बढ़ा दी चिंता, बदलाव के मूड में जनता। मध्य प्रदेश में बीजेपी के सर्वे ने उसके होश उड़ा रखे हैं। जो फीडबैक मिल रहा है उससे पार्टी की चिंता बढ़ रही है। जनता के बीच शिवराज सिंह चौहान की छवि अच्छी है, लेकिन इस चुनाव में शिवराज की छवि पर वोट नहीं मिल रहा। शिवराज 17 साल से सीएम है और एक ही चेहरा लंबे समय से प्रदेश के लोग देख रहे हैं, इसलिए जनता के अंदर बदलाव की इच्छा दिखाई दे रही है। 2018 में कांग्रेस ने इस बदलाव के नाम पर वोट मांगा था और इस बार भी वो बदलाव के नाम पर ही वोट मांग रही है। ऐसे में अब पार्टी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे रखा जा रहा है और हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे बढ़ा जा रहा है। उम्मीद है कि इससे पार्टी को फायदा पहुंच सकता है। वैसे हिंदुत्व का मुद्दा पार्टी ने कर्नाटक चुनाव में जोर शोर से उठाया था, बजरंग बली पर दाव लगाया था, लेकिन ज्यादा सफलता नहीं मिली। वो बात अलग है कि बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं कि कर्नाटक में हवा पार्टी के खिलाफ चल रही थी और हिंदुत्व के मुद्दे ने उसे बचा लिया, नहीं तो हालात और ज्यादा बुरे हो सकते थे। सबसे बड़ी बात तो पार्टी का वोट शेयर बरकरार रहा। इसका फायदा लोकसभा चुनाव में मिल सकता है, क्योंकि चुनाव फिर से पीएम मोदी के चेहरे पर होगा और पीएम के चेहरे पर ही मध्य प्रदेश बीजेपी को भरोसा दिख रहा है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री के लगातार राज्य में दौरे बढ़ते जा रहे हैं। बीजेपी प्रधानमंत्री की छवि को मध्य प्रदेश में भुनाना चाह रही है। दरअसल इस बार के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कोई भी आश्वस्त नहीं है। टक्कर बेहद कांटे की मानी जा रही है और जो सर्वे हो रहे हैं वो भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। मानकर चला जा रहा है कि 80 सीटों पर बीजेपी बेहद मजबूत है, तो इतनी ही सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा बहुत भारी है। बची 70 सीटें फैसला करेंगी कि सरकार किसकी बननी है, और इन सीटों पर बेहद कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। कोई भी दावा नहीं कर रहा है कि जीत किसकी होगी, इसलिए दोनों ही पार्टियां सर्वे एजेंसियों का सहारा ले रही हैं, जिससे सही उम्मीदवार की खोज हो सके। बीजेपी को सबसे बड़ी चिंता एंटी इनकम्बेंसी की सता रही है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में पार्टी के अंदरूनी सर्वे भी पार्टी को खुश करने वाले नहीं रहे हैं। उसके बाद से पार्टी ऐसी रणनीति पर काम कर रही है कि जिससे एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी के प्रभाव को रोका जा सके, तो वहीं प्रधानमंत्री की छवि को आगे रखकर जनता को लुभाया जा सके। बीजेपी की नज़र राज्य की 19% आदिवासी आबादी पर भी है, जो राज्य की 70 सीटों पर बेहद प्रभावी है। 47 सीट तो इसी वर्ग के लिए आरक्षित हैं, और इसी के चलते पीएम मोदी 27 जून के अपने एमपी दौरे पर आदिवासी समुदाय को साधने की कोशिश करेंगे। शहडोल में वो आदिवासियों के साथ भोजन करेंगे, इसके साथ ही बैठक करेंगे। दरअसल 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को आदिवासी इलाके में बड़ा नुकसान हुआ था, और इसी के चलते पार्टी के हाथ से प्रदेश की सत्ता फिसल गई थी। आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित 47 सीटों में से भाजपा सिर्फ 16 सीट ही जीत सकी थी और कांग्रेस 30 सीटों पर आगे रही थी, जबकि इससे पहले के 3 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बढ़त मिलती रही। ऐसे में बीजेपी को एक बार फिर से इस वोट बैंक में अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत बनाना चाह रही है। पिछले चुनाव में राज्य के 230 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 114 और भाजपा को 109 सीटें हासिल हुई थी। दूसरी ओर कांग्रेस को भी बीजेपी की रणनीति का एहसास है, इसलिए उनके निशाने पर अब सीधे सीधे पीएम मोदी आ गए हैं। पहले अरुण यादव ने प्रधानमंत्री के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर निशाना साधा, फिर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह सामने आए। इसके बाद कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अब्बास हाफिज ने तंज कसते हुए कहा कि जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं प्रधानमंत्री वहां प्रचार मंत्री की भूमिका में नजर आते हैं। कर्नाटक में भी यही, मगर जनता मन बना चुकी थी और भाजपा को सत्ता से बाहर होना पड़ा। मध्य प्रदेश में भी यही कुछ होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज़।